हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल एन आर म्यूज़िक एंड रेसिपीज़ व्लॉग्स। तो आज की मेरी रेसिपी है तंदूरी चिकन, जो हम बनाएंगे प्रेशर कुकर में। फटाफट से बनने वाली रेसिपी है, तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने डाला है 3 बड़े चम्मच तेल। तेल गर्म होने पर खड़ा गर्म मसाला डालना है। तो यहाँ मैंने डाला है 2 सूखी लाल मिर्च, 3 लौंग, 2 तेज़पत्ता, 2 दालचीनी के टुकड़े, 1 बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची और 5 से 8 लहसुन की कलियों को हम इसमें डाल देना है और हल्का सा ब्राउन कर लेना है। ये 5 से 6 मिनट में बनके तैयार हो जाती है रेसिपी। 2 मीडियम साइज़ की प्याज को हम इसमें डाल देना है, रफली चॉप करके हल्का सा ब्राउन कर लेंगे उसको भी हम, बस इतना ही ब्राउन करना है। अब मैं इसमें 2 टमाटर डाल रही हूँ, वो भी मैंने मीडियम साइज़ के लिए है, उसको भी मैंने रफली चॉप कर लिया है। अगर आपको ज़्यादा खट्टा ही चाहिए तो 3 टमाटर भी आप डाल सकते हो। और ये 1/2 kg चिकन के हिसाब से बना रही हूँ, उस हिसाब से मैंने इंग्रेडिएंट्स लिए हैं। आप अपने हिसाब से अगर ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हो तो इंग्रेडिएंट्स की क्वांटिटी भी बढ़ा दीजिएगा। फिर यहाँ मैंने लिया है ड्राई मसाले, इसमें मैंने लिया है हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून, 2 टीस्पून मैंने लिया है धनिया पाउडर, 1 टीस्पून मैंने लिया है रेड कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ठीकी वाली, थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर हमें इसमें डाल लेना है, उसका पेस्ट बना के हमें इसमें डाल लेना है। फिर मैंने लिया है 1.5 चम्मच नमक, नमक की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रखें। फिर थोड़ी सी कसूरी मेथी हम इसमें डाल देंगे, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है हमारी ग्रेवी में। फिर 1 चम्मच मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल दिया है इसमें और इस सभी मसालों को हम अच्छे से भून लेंगे। इसको अच्छे से भूनने के बाद हम इसमें डाल देंगे 1 कटोरी पानी और ढक्कन लगा के 1 सीटी आने देंगे ताकि टमाटर और बाकी सारे मसाले जो है अच्छे से भुन जाए और टमाटर और प्याज गल जाए। तो देखिए अच्छे से मैश हो रहे टमाटर। तो 1 सीटी होने पर मैंने ढक्कन हटा दिया। इसको 1 मिनट के लिए हम अच्छे से भून लेंगे हाई फ्लेम पर। फिर हम इसमें डाल देंगे दही 2 चम्मच, दही को अच्छे से फेंट के क्रीमी टेक्सचर पे आने के बाद हमें इसमें डालना है, उसको भी 1 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे भून लेंगे। सब अच्छे से भून चुका है, तेल भी ऊपर आने लगा है। अब हम इसमें डाल देंगे चिकन। चिकन के पीसेस मैंने बड़े रखे हैं, इसको भी अच्छे से हम भून लेंगे मसाले के साथ। साथ ही में मैंने 2 आलू को 4 टुकड़ों में काट के इसमें डाल दिया है। 4 टुकड़ों में काट के हमें इसमें डाल लेना है और 1 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे हम इसको भून लेंगे। ये अच्छे से भुनने पर हम इसमें डाल देंगे 1 कटोरी पानी और कुकर का ढक्कन लगा के हम इसको रख देंगे, 2 सीटी आने देंगे। 2 सीटी में ये अच्छे से गल जाएगा, चिकन और आलू दोनों चीज़। तो 2 सीटी आने पर मैंने कुकर का ढक्कन हटा दिया। तो आप देख सकते हो कि चिकन भी अच्छे से गल चुका है और आलू भी अच्छे से गल चुके हैं। बस 1 मिनट के लिए हमें हाई फ्लेम पे इसको भून लेना है ताकि ग्रेवी में थिकनेस आ जाए। फिर इसको फाइनल गार्निश कर देंगे हम हरी मिर्च, 2 पतले नींबू के स्लाइसेस से और फ्रेश कोरिएंडर से। तो बस यही थी मेरी रेसिपी आज की। आई होप आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो। तो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक करना, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं आपसे मिलती हूँ मेरी नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक आप खुश रहिए, लाइफ को एंजॉय करिए। अल्लाह हाफिज़ गाइस, टेक केयर, बाय।